मैं फीसर आपको स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मेरा आपको पता आया है और आज हम लोग लेके चलेंगे पटना सिटी का गोलघर। और चलिए दोस्तों गोलघर देखने चलते हैं। और मेरे साथ मेरा नाम निर्मल है। निर्मल है और ये मेरा दोस्त है निर्मल है और हम लोग चलेंगे अभी गोलघर देखने के लिए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो को स्टार्ट करें। लेट्स गो। दोस्तों हम लोग पहुंच गए अभी टिकट काउंटर का घर। ये लिखा है कि स्टूडेंट के लिए 15 रुपीज़ है और जो अदर्स व्यक्ति होते हैं उन लोग के लिए लिखा है 25 रुपीज़। तो हम लोग अभी ले लेता हूँ 2 टिकट्स। तो जी यानी कि हम लोग 2 आया तो ये ले लिया हम लोग 2 टिकट। अभी इस टिकट को लेके अंदर चलेंगे हम लोग। और ये देख रहे हैं आप लोग 2 टिकट लिया है और यहाँ पे लिखा है 3 बजे शो होगा। क्या क्या शो मालूम नहीं, देखना पड़ेगा। और चलिए इस टिकट को लेके अंदर चलता हूँ हम लोग। और दोस्तों हम लोग आ गया है अंदर और मैं अभी आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा यहाँ पे क्या क्या शेष है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये है गोलघर, अभी अंदर चलते हैं हम लोग, आप लोग को भी साथ ही साथ दिखाएंगे मैं। और यहाँ देखिए आप, बहुत ही अच्छा प्लेस है ये घूमने के लिए और शायद आपको मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बड़ा लंबा सीढ़ी है। 1770 में ब्रिटिश राज के टाइम पे बहुत बड़ा एक अकाल पड़ा हुआ था तो उसी टाइम इसको बनाया गया है। का जो गवर्नर था जिनका नाम था जॉन फेस्टिन और उन्होंने इस गोलघर को बनाया था 1776 पे। तो तब की जो ब्रिटिश आर्मी था उन लोग के लिए ये अनार भंडार बनाया गया था। और गोलघर में 2 सीढ़ियाँ है, एक तरफ से उठता है और एक तरफ से उतरता है। तो गोलघर का अंदर टॉप में एक होल है, उस होल से जो भी खाना मतलब जो भी कुछ लाता था तो वहाँ पे अंदर में डालता था। तो अभी तो वो बंद है, ऊपर पे जो होल थे वो अभी बंद है। दो सिस्टर से मैं सिस्टर लोगों से जानने के लिए कोशिश करूँगा कि जो यहाँ का जो गोलघर है तो ये गोलघर किसके लिए किस बात के लिए फेमस है और गोलघर क्यों बनाया गया था, आपको थोड़ा सा बताएंगे मैम प्लीज। गोलघर का स्थापना यहाँ पर 1770 में बिहार में एक बहुत बड़ा अकाल आया था। अच्छा। उस समय अंग्रेजों ने अनाज को मतलब भंडारित करने के लिए गोलघर का एक बड़ा पूरे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा अनाज का भंडार केंद्र बनाया था जिसे आज गोलघर कहते हैं, जो जिसका स्थापना 1786 में हुआ था। अच्छा, 1786 पे हुआ। तो अभी गोलघर सभी इन द वर्ल्ड में या इंडिया ऑल इंडिया में का लोग जो यहाँ पे पटना हापुड़ पटना के इस्तेमाल पड़ा था बिहार में ही फूड सप्लाई के लिए वो एक बनाया गया था, गोडाउन कह सकते आप इसको। तो उसी के अनाज भंडार, हाँ अनाज भंडार बनाया गया था ताकि लोगों तक अनाज अच्छे से पहुँच पाए। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है आपका मैम? ज्योति। आर यू? कल्पना। थैंक यू मिस कल्पना। तो ये गोलघर है मैं अंदर का जो एरिया है इसका अंदर में कुछ नहीं है, बट यहाँ पे जो आपको दिखाएगा शो, यहाँ पे शो दिखाता है। तो ये आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये जो अभी यहाँ शो स्टार्ट होगा और शो स्टार्ट होने वाला है, हम लोग शो देखेंगे। चलिए अब सभी लोग बैठ रहे हैं शो देखने के लिए। और 1704 में औरंगजेब का प्रिय पोता अजीमुद्दीन
शासक बना जिसने पटना को किलेबंद कर न केवल निजाम और निजारत को भरपूर बढ़ाया बल्कि साहित्य नृत्य संगीत चित्रकला काव्य कला से पटना को सजा दिया और पटना को पहला नाम दिया अजीमाबाद। 1712 आते आते अजीमुर शान का बेटा फर्रुख सीकर ने पटना से भागकर दिल्ली की गद्दी हथिया ली। इस दौर की तीन बातें काबिले गौर है, हिंदू मुस्लिम राजाओं और जमींदारों की एकता, यूरोपीय व्यापारियों को व्यापार की सुविधा और पटना में मंदिरों गिरजाघरों मस्जिदों बाजारों इमामबाड़ों खानकाहों। तो ये था लेजर शो, आप लोगों ने देखा होगा समझा होगा। और अगर आप लोग को अगर पटना के बारे में गोलघर के बारे में हिस्ट्री जानकारी लेना है तो आप आइए इस शो को देखिए। और ये था आज का वीडियो, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए।